अमीर बच्चे का फोन आया। तू चल रही है कि नहीं चल रही है? यही बैठेगी, उठ यहां से। जब गलती करी थी, जब समझ में नहीं आया था क्या? दानिश भाई आप शुरू करो। कैसे शुरू करेंगे? मतलब देखो गायत्री जी, जो आप की हो ना, ठीक है, एक बार स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, फिर दोस्तों। मैं खान, दोस्तों आज जो मेरे साथ है, आप पहले देख लीजिए, ये इनका लुक देखिए, और इसका इसके पीछे का मैं रीज़न बताऊंगा कि आखिर क्या बात है, क्यों आज इस लुक में ये बैठी हुई है। मतलब एक नहीं होता है भाई, इंसान को अपना अस्तित्व नहीं भूलना चाहिए, इंसान को अपना मतलब बताइएगा कुछ या बस रोते रहिएगा? क्या बात है, पूरी चीज़ को एक्सप्लेन करो कि क्यों यहाँ पे आप इस ड्रेस में बैठी हो और क्या करना चाहती हो, बताइए। समीर भाई, थैंक यू सो मच। मैं आपको सबसे पहले बोलूँगा कि एक दोस्त के नाते मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। इनका नाम गायत्री है और इनका समीर है, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं, और ये इंसान आज इनको लेकर आया है। ये मतलब गायत्री ना फेस नहीं करना चाहती है। क्या बात है, पूरी चीज़ को एक्सप्लेन करो प्लीज़, ताकि मैं ऑडियंस को दिखा पाऊँ, समझा पाऊँ, क्या बात है? 3 साल पहले की बात है, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था। मैंने जब मम्मी पापा को उसके बारे में बताया तो मम्मी पापा ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, वो लड़का हमारी हैसियत के हिसाब से बहुत अमीर था। मेरे घर वाले नहीं माने और मैंने उनके खिलाफ जाकर उससे शादी कर ली। मेरे माँ बाप ने मुझे बद्दुआ दी। माँ बाप की बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए, माँ बाप की बद्दुआ लग गई मुझे। मैं कनाडा में जाकर समीर के साथ सेटल हो गई, लेकिन मेरे समीर की डेथ हो गई, मेरा समीर मर गया, मैं अकेली पड़ गई। आज मैं अपने माँ बाप से मिलना चाहती हूँ, उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ, पर मैं कैसे बताऊँ, मैं कैसे उनके सामने जाऊँ। मैंने उनके पूरे खानदान में बदनामी कर दी, पूरी सोसाइटी में उनकी बदनामी कर दी। मैं बहुत बुरी बेटी हूँ, मैं कैसे उनके सामने जाऊँ, कैसे? इसी कारण से दोस्तों मतलब ये आज इस गेटअप में है और इस ये बोल रही कि मैं फेस नहीं कर पाऊंगी, अपनी माँ बाप के सामने मैं कैसे जाऊं, माफ़ी भी मांगनी है, सामने भी जाने से कतराना है। इसी कारण से ये आज गेटअप में है। एहसास है? मैंने बहुत गलत किया। एहसास है? आप गलत की हो या सही की हो पता चल गया होगा। माँ बाप की बद्दुआ जिंदगी में सच में किस कभी भी नहीं लेना चाहिए। कभी नहीं, मैं बस एक बार अपने माँ बाप को देखना चाहती हूँ, बस एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन कैसे उनके सामने जाऊँ। समीर भाई, आप एक काम कीजिए भाई, आप फोन करके इनके मम्मी पापा को बुलाइए, ठीक है? अच्छा ये बताइए मुझे, इस दौरान आप उनसे मिलते थे? इनके मम्मी पापा से। आप लोग बचपन के फ्रेंड हैं तो मिलना जुलना सब होता था? मेरे इनके घर में आना जाना भी था। अच्छा ठीक, एक काम कीजिए, आप फ़ोन करके उनको बुलाइए, ठीक है, किसी बहाने से कि अंकल हम लोग मिलना चाहते हैं, ऐसा चीज़ है। अच्छा एक क्वेश्चन है, अगर जब उस सिचुएशन में आप तो कितना साल पहले आप गई थी घर से बाहर? 3 साल। 3 साल पहले उस समय अंकल आंटी को फेस कर रहे थे, देख रहे थे क्या हाल था उनका, क्या नहीं था, कुछ बताना चाहिएगा? मतलब ये है कि
उनका हाल तो उनके जाने के बाद बहुत बुरा हो गया था, ख़ासतौर से उनकी मम्मी का। वो मैं जाता था तो अंकल कहते थे कि बेटा अपनी आंटी को थोड़ा खाना वाने को पूछ लो, वो खाना भी नहीं खाती थी इनकी वजह से। अंकल भी जो है अपसेट रहने लगे थे, चिड़चिड़ा मूड, गुस्से में। अब जाके वो थोड़ा सा जो है थोड़ा बेटर फील हुआ है उन्हें, कुछ पहले जैसा उनको मैंने देखा है। अभी आप फ़ोन करके उनको यहाँ बुलाइए, ठीक है, और बोलिए कि अंकल मुझे मिलना है आपसे और आंटी को भी साथ में लेकर आइए, एक बार फ़ोन करके एक बार देख लीजिए। हेलो अनिल अंकल, क्या हाल है? बस बढ़िया अंकल, आपके क्या हाल हैं? तबीयत तो ठीक है आपकी? बस बस अंकल, आपसे मिलना था। अच्छा, मिलना तो बैठे नहीं नहीं हाँ वो तो मैं आ जाऊँगा अंकल, मुझे आपसे पार्क में मिलना था। हाँ हाँ नहीं नहीं आपसे यहीं मिलना था, और आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है। हाँ आंटी को भी लेकर आना अंकल। हाँ मैं आपको पार्क की लोकेशन भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, आप आ जाओ। ठीक है ठीक है अंकल, ओके। आज रो रहे हो, आज अफसोस हो रहा है, काशी पहले हो जाता ना आपके साथ तो ये चीज़ करना नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो जो चीज़ भी होगा आपके सामने आ जाएगा, दिख लीजिएगा क्या है। अरे अंकल क्या हाल है? अरे समीर क्या हाल है? और अंकल क्या कैसे हो? कैसे हो? बस ठीक हो? तेरी आंटी भी आ गई, आंटी लगा रखा था, आंटी भी आ गई देख ले। और कैसे है तू? बस बढ़िया, बड़े दिनों बाद याद आई, कैसे? बस बुला लिया अंकल आपके लिए। क्या बात है अंकल, फिट विट लग रहा हो पहले से? अरे जिम विम जा रहा हो क्या? तेरी मम्मी आंटी हो गई, तेरी मम्मी हो गई, बड़े बड़ी अच्छी हैं, जवान लग रहा हो। अरे बेटा बस अच्छा मैं ये जवान होते जा रहे हैं। नहीं नहीं आंटी। अच्छा हाँ बेटा, तू कुछ बता रहा था सरप्राइज का? सरप्राइज अंकल अभी पेशेंस रखो थोड़ा, कह रहा है सरप्राइज। मैंने कहा घर आ जा, कह रहे नहीं पार्क में मिलेंगे। पार्क में मिल लेते हैं और सब और जी सब जी। हो रही है बेटा। हाँ हाँ आप बताइए, मम्मी भी है, तुम्हारी आंटी भी है, ये सब बढ़िया। तो बताओ क्या कह रहे हो बेटा, बोला आपने फोन किया। कुछ बात थी अंकल, सरप्राइज आपके लिए, वो पेशेंस रखिए थोड़ा भाई। हम तो बताओ सरप्राइज के लिए भाई, कौन सा सरप्राइज है, जल्दी करो, हमारा तो बड़ा मन कर रहा है भाई। जैसे फोन पे आपने बोला मैं तो तुरंत भागा आया, तेरी आंटी पानी नहीं पीने दिया मैंने, कह रही मैंने कहा आ जा जल्दी 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 फटाफट लेके आया। मैंने कहा समीर का फोन है, आपका बड़कपन है, ये आप आ गए। बेटा देखो ये तो तेरा हमारा इतना घर वाला रिश्ता है, बिल्कुल हमारा बच्चा है तू, और घर भी आना जाना घर पे कभी आऊंगा आऊंगा अंकल, जरा जॉब के चक्कर में थोड़ा बिजी था, आप बिजी था मैं जॉब के चक्कर में। और सुना बेटा बस, और काम कैसा चल रहा है, मौज हो रही है? बस बस तेरे अंकल देख ले फिट, अभी भी फिट है बिल्कुल अंकल, मैं ये तो करो पहले से और जवान लग रहा हूं। आंटी भी जिम विम शुरू कर दिया अंकल आपने? बिल्कुल बिल्कुल ना, जिम क्या बस बेटा, ऊपर वाले की देन है, खुश रहते हैं अपना, मस्त रहते हैं, ये अभी भी अपना बड़े मस्त है अपना। बस वही जॉब, घर से जॉब, जॉब से घर। अच्छा अच्छा, बाकी सब ठीक है घर पर? हाँ कोई किसी चीज़ की कोई नहीं, सब कुछ ठीक है। बस बेटा हम भी अपना टाइम निकाल रहे हैं, ये अभी क्यों जी क्या कर रहे हैं जिंदगी में, अपना दो पल की जिंदगी है, अपना खुश रहो, खुश रहो, कुछ नहीं पड़ा, टेंशन नहीं लेने की अंकल, बस खुश रहो इस लाइफ में। बस बच्चे तेरा फ़ोन आ गया, हमारा मन खुश हो गया, हमारा दिल खुश हो गया कि हमारे समीर बच्चे का फ़ोन आया।
क्या हो रहा है ये अंकल? नहीं क्या ये है? ये सरप्राइज था अंकल। नहीं ये मुझे यूं ही करके ना, अरे छोड़ इसको, मुझे क्या हो रहा है, छोड़ इसको, अरे क्या हो रही है, छोड़ इसको, इतने जो हम छुप के बैठा है खुदा उधर। अरे समीर हटो, तुम ये सब नहीं देना ना। सही अंकल, चलो चलो हटो यहाँ से। बेटी है वो। अरे क्या बेटी है, हमें नहीं बात करनी इससे, चलो यहाँ से। ये कोई बात है अंकल? आपकी नहीं भी तो है, वो उससे गलती हो गई थी। चल छोड़ इधर, चल हट इसको, चल चल। मुझसे आगे दस्तक पूछे दर कहाँ है। बात तो सुनो, अरे छोड़ो इसको, अरे आप छोड़ो समीर बेटा, बेटा ये हमें जब छोड़ के गई थी तो क्या हाल हुआ था? बैठो तो सही आप। नहीं अब जाए ना, आप क्या कर रहे हैं हमारे पास? ये क्या बैठो, बच्ची क्या है बच्ची, मुझे नहीं बात करनी इससे। अंकल आप बैठो तो सही, मुझे नहीं, बैठो तो सही आप, बैठो। मैं इससे बात ही नहीं करूंगा, ये अपनी मर्जी से गई है ना, बल्कि क्या करने आई है मेरे पास की तो है। नहीं हमारे पास क्या करने आई है, अब हम अपना दोनों मियां बीवी अपना ठीक है, खुशियां भी है, क्या करने आई है? इसलिए हमारी पछतावा। आपकी बेटी है वो, जब छोड़ के गई थी तब इसको अकल नहीं आई थी। नहीं अब यहाँ के वो कर रही है, मुझे नहीं बात करनी। हाल चाल तो नहीं, नहीं। बताओ कितने टाइम में मिल रही है आपको समीर? में बेटा जब इसने यहाँ से घर छोड़ के गई थी, हमने कितना समझाया था, इसने हमारी नहीं मानी, अब क्या करने आई है? अंकल इंसान से गलती होती है। देखिए अंकल एक चीज बता दे, सॉरी। नमस्ते, आप कौन? मैं बता रहा हूँ मैं कौन हूँ अभी। ठीक है ये गलती की है, ठीक है मैं मानता हूँ, मगर इतना समझिए कि ये गलती की है तो आज इसे एहसास हुआ है। देखो कैसे रो रही है वो। आप लोगों के सामने ये नहीं आना चाहती थी, इस कारण से ये जोकर बन के आई है। नहीं जोकर के ड्रेस में आई है। आप क्यों बोल रहे हो बीच में, हमारा घर का मैटर है, हमें नहीं बात करनी। ये चाहती थी ये सब जो इसको गलती जो की है ना, इसका एहसास पूरी दुनिया को चले, पता इसका पता, इसलिए वहाँ पर देखिए कैमरा लगा के रखी हुई है, यहाँ पर देखिए माइक लगा हुआ है। ये आपकी बेटी का चाहती थी पूरी दुनिया को ये वीडियो बना के दिखाया जाए ताकि क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? ये नहीं तमाशा नहीं है, ये क्या ड्रामा हो रहा है, ये एहसास ऐसा कर रही है ये? नहीं क्या ये बात समझिए, आप समझने की कोशिश। मैं क्या समझूं ये बताओ ना, ये क्या ड्रामा लगाया हुआ तुमने? ये समीर ये क्या हो रहा है, ये कभी जोकर बन गया तमाशा कर रही है, कभी हाथ से चली गई तमाशा लगा रखा है तुमने? है अंकल छोड़ इसको मेरे को, अंकल बात तो समझिए। अरे मुझे बात नहीं करनी, आप जाइए यहाँ से। ठीक है हम चले जाएं। नहीं मेरे से बात मत कीजिए, चलो जाओ यहाँ से। समझिए आपकी ना बद्दुआ लग चुकी है इसे। क्या बद्दुआ लग गई है, जो हरकत करेगी लड़की कलर जो किया, मैं उसमें क्या करूँ? है इतनी बदतमीज लड़की, ये अब ये जोकर बन के ड्रामा कर रही है, आप जाइए यहाँ से। कुछ ड्रामा नहीं है, बात समझिए, मुझे नहीं बात करनी इससे। ये देखिए एक माँ बेटी कितना दिन बाद मिली है, ये नहीं देख रहा है आपको? एक बेटी का आपको एहसास हो चुका है? समीर तू तूने अच्छा नहीं किया, मैं बता रहा हूँ पूरी दुनिया को ये वीडियो बना के आपकी बेटी दिखाना। आप ये बंद कीजिए, ये क्या ये? नहीं बंद होगा, आप कैमरा बंद कीजिए। आपकी बेटी गलती किया, उसका एहसास है उसे। तू चल रही है कि नहीं चल रही है? यही बैठेगी, उठ यहाँ से। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखा दियो मेरे को, समझ गया ना?